अब ये पुल बन जाए निश्चित रूप से बेटोक सरकार के किसी जनप्रतिनिधि को, सरकार को पूरे खुले दिल से कहना चाहिए कि नहीं वहाँ पुल बनेगा, ये आश्वासन देना चाहिए सरकार को, तब समझेंगे कि नहीं पूरे संवेदनशीलता के साथ जो है सरकार अपना काम की। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटी, मेरा नाम अभिषेक है। मुजफ्फरपुर नाव हादसे यानी कि मधुरपट्टी और भटगामा में हुए नाव हादसे को लेकर आज विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हरी सहनी मुजफ्फरपुर पहुंचे थे और उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया। घटनास्थल पर पीड़ित परिवार वालों से मिले, पीड़ित परिवार वाले रोने लगे, नेता प्रतिपक्ष के सामने रोने लगे परिवार वाले, गुहार लगाने लगे कि साहब परिवार वाले डूब गए, नाव के सहारे जाना पड़ता है। तो इस दौरान सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई है हरी सहनी ने। बीजेपी के नेता हैं और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप वो सुनिए। चलिए, हाँ, नाव पलटने की घटना सुनकर हर लोग मर्माहत हुए, पूरे बिहार के लोग, क्योंकि एक साथ अब तो कुल मिलाकर पहले लोग 12 आते थे, अब तो 13 हो गया, तो 13 जाने गई तो ये तो सब मर्माहत है। लेकिन एक बात मन में आता है कि पहले हम लोग पढ़ते आए हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, जहाँ आवश्यकता महसूस होता है फिर निर्माण होता है। तो यहाँ तो आज इतने लोग अपने प्राणों की आहुति दी है, ये तो अलग विषय है, लेकिन इससे पूर्व में कई बार ऐसा घटना घटा और फिर भी ये ध्यान देना केवल स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं, वो गवर्नमेंट की जो जिम्मेवारी है, तो फिर क्यों नहीं ध्यान दिए जो आज तक नहीं हुआ। जब हर बार ऐसा होता है इसका मतलब निहायत जरूरी है, नहीं हुआ तो इसका दोषी हम नहीं, कोई भी इस प्रांत के कोई भी बच्चा कहेगा कि इसका दोषी कौन, जो बीत गई। लेकिन अब ये पुल बन जाए निश्चित रूप से बेटोक सरकार के किसी जनप्रतिनिधि को, सरकार को पूरे खुले दिल से कहना चाहिए कि नहीं वहाँ पुल बनेगा, ये आश्वासन देना चाहिए सरकार को, तब समझेंगे कि नहीं पूरे संवेदनशीलता के साथ जो है सरकार अपना काम की। जहाँ इतने लोग अभी गए सो नहीं है, सवाल है इतने बच्चे जान दिए हैं, इससे पूर्व में होते आया है, इसलिए बड़ा दुखद बात है। इस क्षति का भरपाई तो नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ हद तक सरकार यदि कह दे कि हम हाथ लगा रहे हैं, उनके हाथ में है सब कुछ है, तो इसका भरपाई समझेंगे कि कुछ हद तक हो रहा है। सर, ऐसे बहुत ऐसे परिवार हैं जिनके घर में कमाने वाला था वही मर गया इस हादसे में, क्या उस परिवार को कैसे जीवन है? देखिए, सरकार का एक प्रावधान है, ये पंचायत हो, प्रखंड हो, जिला हो, प्रदेश हो या देश हो, सब एक प्रावधान से चलता है। उसके तहत जितने को जितना राशि मिलना है सभी लोग जानते हैं, वो सरकार को देना ही देना है। लेकिन जो डेड बॉडी अभी नहीं मिला है, तो मैं उसके लिए मैं सरकार से भी मांग करता हूँ, जिलाधिकारी को भी कहा हूँ, और आप लोगों से, ये जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं इनसे भी आग्रह करता हूँ कि आप आवेदन लिख कर दें कि हम लोग भाई नाव पर जो लोग थे वो गवाह है, वो एफिडेविट बना करके हमारे सारे जनप्रतिनिधि देने के लिए तैयार है, तो क्या मेरे इस जनप्रतिनिधि का इतना भी आप औकात नहीं मानते हैं? क्या आप औकात मानते हैं तो इस आधार पर इनको वो राशि मिलनी चाहिए, और इसके लिए मैं यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि से भी बात किया हूँ और फिर गवर्नमेंट में भी इसके लिए आज ही अर्जी लगाऊंगा कि भाई उन लोगों को पैसा मिलना चाहिए। सर, गिर गई, हाँ वो पता, हम उसके लिए मैं डीएम से भी बात किया हूँ, वो कहा है कि निश्चित रूप से जोड़ और अभी मैं बोला हूँ तो 13 भी बोला हूँ, तो चूंकि समाज सर्वोपरि है और वो सब लोग गवाह हैं, हो गया, और सर पूरा विश्वास है कि ये
खोजबीन होना चाहिए। इस संदर्भ में भी आज अपने जिलाधिकारी से बात कर लेता हूँ, अभी बात फिर बात कर लेते। देखिए, जो बेहतर काम किया, जो धरती पर आए हैं सबको जाना है, लेकिन जो समाज के लिए जिया है, देश के लिए जिया है, उसको सदैव जमाना याद रखता है। आज इसी क्रम में मैं हमेशा प्रतिदिन बोलता हूँ कि जिस देश की आज़ादी में 7,40,000 से अधिक पूर्वज कुर्बानी दिए थे, उस देश के में उन शहीदों का आप कितना का नाम देख रहे हैं? कहीं नहीं। हम अपने प्रधानमंत्री जी को देख रहे हैं कि सारे शहीदों को चुन चुन करके ला रहे हैं। तो मेरे मन में रास्ते में हुआ कि भाई वैसे जवान के लिए कुछ अलग ढंग से कुछ ऐसा कुछ न कुछ हो, ताकि लोग जावाज के लिए जो है स्थान दिल में बना कर रखे, जगह पर बना के रखे। तो मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, और मैं भी इसके लिए लिखित वे में गवर्नमेंट से भी याचना करूँगा। तो आपने सुना कि बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हरीश साहनी ने क्या कुछ कहा। हरीश साहनी के सामने महिलाएं रोने लगी और साफ साफ कहने लगी कि देखिए किस सहारे से जाना पड़ता है, मुश्किलों से जाना पड़ता है, परिवार वालों को खो देना पड़ता है, लेकिन सरकार अभी तक ध्यान नहीं दे रही है। जिसके बाद हरीश साहनी भड़क जाते हैं और सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाते हैं। कहते हैं कि अब तक तो पुल का निर्माण कर देना चाहिए था। तो बह रहे लाइव स्टूडियो के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए।